प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम लोग व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे आपको काफी ज्यादा और महत्वपूर्ण प्रश्न को अभ्यास हो जाए और आप खुद ही इन प्रश्नों को करने के लिए सीख जाएं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो आज हम लोग चलते हैं व्हीटस्टोन सेतु के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए व्हीटस्टोन सेतु में हम लोग यह जान चुके हैं कि संतुलन की स्थिति में चार प्रतिरोध होते हैं जिसका अनुपात P बटा Q बराबर R बटा S होता है। ठीक है, हम लोग पिछला दिन तक फाइंड कर चुके हैं जहां P Q R S बनाया जाता था। अब हम लोग प्रतिरोध से X का मान ज्ञात करना है। देखिए यहां एक प्रतिरोध कहता कह रहा है कि परिपथ से X का मान ज्ञात करिए। यहां देखिए जिससे यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु दर्शाता है, कह रहा है कि x का मान ज्ञात करिए यदि यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु को दर्शाता है। ठीक है, और यह भी कहता है दूसरा प्रश्न के लिए यह है r का मान बताएं जिससे परिपथ संतुलित हो जाए। कह रहा है कि इस r का मान ज्ञात करें जिससे यह परिपथ क्या हो जाए, संतुलन की स्थिति में आ जाए। तो देखिए प्यारे मित्रों, हम लोग यह जान चुके हैं कि संतुलन की स्थिति होता है, संतुलन की स्थिति होने का मतलब है कि पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस। तो हमको इसको मान निकालना है, तो फट से निकाल सकते हैं क्या? आप चाहें तो इसको मान सकते हैं P, इसको Q, इसको R, इसको S, ऐसे ही मानते थे। इसलिए संतुलन की स्थिति से होता है P अपॉन्स Q बराबर R अपॉन्स S। जब हम लोग P का मान देंगे तो P कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, चारों में हो जाएगा। Q का मान दीजिएगा तो आठों में हो जाएगा। R का मान दीजिएगा तो टू ओम हो जाएगा। और S का मान दीजिएगा तो आप X रखिएगा। ठीक है, अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप काटिएगा, दो बार में कटेगा, इसलिए x बराबर कै ओम आएगा, चार ओम आ जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा कितना था, चार ओम था। ठीक है, अब इसी तरह इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, r का मान ज्ञात करें जिससे परिपथ संतुलित हो जाए। जब परिपथ संतुलित होगा तो r का मान निकालना होगा, तो इस तरह से हम लोग क्या यहाँ लगा दे सकते हैं। तो इसलिए हम लगा सकते हैं आर अपॉन्स, देखिए यह बटा यह, आर बटा पी बटा क्यू, तो आर बटा चालीस हो जाएगा बराबर में क्या, 200 बटा 100। इसी तरह देखिए यहाँ 100 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ r बटा 40 हो जाएगा अपॉन 100 बटा कितना हो जाएगा, 100 बटा 200। तो इस तरह से हम लोग मान फाइंड करेंगे तो 100 दुना के 200 कटेगा और 2 से कितना बार में कटेगा, 20 बार में। इसलिए r के जगह पर कितना आ जाएगा, इसलिए r बराबर आ जाएगा 20 ओम। अब एक बार ध्यान से आप समझिए कि अब हम लोग कह रहे हैं कि ये था 20 ओम। अब आप संतुलन की स्थिति समझ चुके हैं। देखिए संतुलन का सूत्र हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ 4 और 8 में देखेंगे तो 1:2 आ रहा है, 2 और 4 में भी देखेंगे तो 1:2 होगा, उसी तरह 20 और 40 में भी देखेंगे तो 1:2, 100 200 में देखेंगे तो 1:2। यानी पी बटा क्यू, ठीक है, बराबर में R बटा S अगर बराबर देता है तबे व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है, और उसी कंडीशन में हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके आपको काफी उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम लोग आगे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट भी करना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे 3 को प्रतिरोध दिया रहेगा, कोई आप डायरेक्ट अपना मन से भी निकाल सकते हैं। तथा ए तथा बी के बीच, अगला प्रश्न चलते हैं, ए तथा बी के बीच समतुल प्रतिरोध ज्ञात करें। ए तथा बी के बीच समतुल प्रतिरोध ज्ञात करिए। देखिए यहाँ ज्ञात प्रतिरोध के लिए है सूत्र, यह समतुल्य प्रतिरोध के लिए, हालांकि पिछला चैप्टर का है लेकिन मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऐसा एक प्रश्न बना लिया है। तो देखिए अब हमको इसमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए हम लोग देख रहे हैं ए तथा बी के बीच, ए और बी यहाँ, तो ए और बी के बीच यदि हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और एक श्रेणी क्रम में है और दो भी श्रेणी क्रम में है। फिर इसको देखिए इसके जगह पर ए को लगा देंगे, ठीक है, ऊपर वाले एक एक के जगह पर और नीचे वाला के जगह पर भी ए को लगा देंगे, तब पर भी जोड़ने के दो रास्ते होंगे। तो यह किस क्रम में जुटेंगे, आपस में एक एक श्रेणी क्रम में, और फिर दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। इसलिए आर डैश बराबर आप करिएगा तो एक ओम प्लस में एक ओम बराबर में कै ओम होगा, बराबर में 2 ओम होगा। आर डबल डैश बराबर करिएगा तो 2 प्लस 2 बराबर में कै ओम होगा, 4 ओम होगा। लेकिन 1/r ट्रिपल डैश करना होगा क्योंकि फिर समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो ए तथा बी के बीच हम लोग लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे ए तथा बी के बीच, तो हो जाएगा देखिए 1/2 प्लस 1/4, ये आप पहले भी सीख चुके हैं, तो यहाँ लघुत्तम होगा 4। ठीक है, आशा है आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो यहाँ दो बार में और यहाँ कितना बार में, एक बार में, तो आपको आ जाएगा 3/4 ओम। लेकिन आर ट्रिपल डैश का मान हम लोग के निकालना है, तो ऊपर जाएगा तो आर ट्रिपल डैश बराबर होगा 4/3 ओम। आशा करते हैं आपको यह सारे प्रश्न करने खुद भी आएंगे। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक आगे के प्रश्नों को आप जरूर देखें, ठीक है। तो मैं पहले आपके लिए प्रश्न लिख लेता हूँ ताकि आप खुद भी और बेहतरी से समझ पाए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इसको एक बार समझ लीजिए देख करके। प्यारे मित्रों, हम लोग का अगला प्रश्न है, देखिए एक परिपथ ऐसे दिया गया है, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु है, देख ली रहे हैं हम लोग। इसमें दिया है कि P बराबर 100 ओम, Q बराबर 10 ओम, R बराबर 100 ओम, S बराबर 5 ओम। तो X का मान ज्ञात करना है। देखिए एक X लगा हुआ है प्रतिरोध, जिससे यह परिपथ संतुलित हो जाए, ठीक है। कह रहा है कि X का मान ज्ञात करिए, यह संतुलित हो जाए, से आपको फाइंड करना है। तो आइए हम लोग संतुलन के लिए जानते हैं कि अनुपात भी बराबर होना चाहिए X का मान। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि P बराबर यह कितना है, 100 ओम है। Q बराबर यह कितना है, तो 10 ओम है। R बराबर कितना है, तो चाहिए यहाँ आप जगह तो नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं R के जगह पर 100 ओम है, कितना 100 ओम है। S के जगह पर कितना है, 5 ओम है। अब आप सोचिए कि हमको X का मान ज्ञात करना है, तो पहले R और X आपस में किस क्रम में जुटे हुए हैं। R और X आपस में समांतर क्रम में जुटे हुए हैं, और जितना भी समांतर क्रम का मान आएगा तो यह एक साथ इसमें जुट जाएगा, ठीक है। जितना भी आएगा यह R और S आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो यहाँ समांतर फिर हम लोग संतुलन की स्थिति का सूत्र लगा देंगे। तो हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग को R का X का मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R डैश बराबर अगर करेंगे तो क्या होगा, समांतर क्रम में जुटे हैं तो हम लोग को लिखना होगा, चूंकि R एवं X समांतर क्रम में जुटे हैं। R और X किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, क्या तुल्य प्रतिरोध दोनों को निकालना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध बराबर होगा 1/R-, ठीक है, 1/R- बराबर जब हम लोग करेंगे तो 1/R- बराबर करेंगे तो होगा 1/R+1/X होगा, और 1/R के जगह पर 1/100, और X के जगह पर क्या होगा, 1/X का मान आएगा, ठीक है। तो X के जगह पर तो X ही होगा, यहाँ से आप लघुत्तम लीजिएगा तो 100X होगा, 100 से 100 कटेगा तो आपको बचेगा X, और X से X कटेगा तो बचेगा आपको 100। अब यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे तो आप खुद देख लीजिए, R डैश ऊपर जाएगा, R डैश बराबर ऊपर जाएगा तो होगा आपको 100X/X+100 जरूर होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चूंकि संतुलन की स्थिति में है, चूंकि संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, P/Q बराबर में R/S। अब देखिए P हम लोग को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, R के जगह पर अभी दोनों के संतुलन प्रतिरोध क्या आ गया, देखिए आ गया आपको 100X/ पहले S, इसका मान लिखेंगे X+100 होगा, ठीक है, इंटू S के जगह पर क्या ओम होगा, 5 होगा, ठीक है, यह हम लोग का 5 है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और 5 × 10 दो बार में। अब यहां से गुना करेंगे तो 2 से X में तो होगा 2X, और यह आपस में गुना होगा तो X+100। अब X इस ओर आ जाएगा, एक्स इस ओर आ जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 100 ओम, ठीक है, एक्स का वेल्यू आ गया 100 ओम। अब बात है कि कैसे हम लोग माने कि संतुलन की स्थिति में है, तो अब हम लोग कैसे माने कि संतुलन की स्थिति में है, तो अब पहले सोचिए संतुलन की स्थिति में होने के लिए अनुपात हम लोग को बराबर होना चाहिए, एक बार एकदम ध्यान से समझिएगा। तो देखिए एकनी दोनों आपस में 100 बार आपस में समांतर में था, तो 1/100 आर के लिए और एक्स के लिए भी 1/100 समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए 1/R- बराबर आएगा तो यहाँ होगा 100, तो 1+1 R- बराबर आपको हो जाएगा, ऊपर जाकर के देखिए यहाँ मतलब 2/100 हुआ, 50 बार में कटा तो R- बराबर हो गया 50, यानी जो यह हम लोग का संतुलित प्रतिरोध हो जाएगा R- ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
तो ये 50 से ही काटिएगा। अब हम लोग संतुलन की स्थिति में चल रहे हैं, तो 5 से काटिएगा 50 के तो 10 बार में, और 10 से काटिएगा 100 के तो 10 बार में। तो इस तरह से संतुलन की स्थिति में हम लोग को पता भी चल जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, इन सारों प्रश्नों को एक बार खुद भी आप करके देख सकते हैं, तब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ऐसे ही कुछ और प्रश्न आपके लिए मैं शामिल करता हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न को आप खुद भी करके ट्राई करिए, तब आपके लिए बहुत फायदा होगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा देख ले, यहाँ पर आर्डर्स रखना होगा क्योंकि हम लोगों ने आर्डर्स का मान निकाला था। ठीक है, तो यहाँ संतुल में आर्डर्स आ जाएगा, ध्यान रखिएगा एक बार। ठीक है, तो आर्डर्स का मान वहाँ पे हमने रखा है। तो अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, बाकी सब ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न को, कहता है एक व्हीट स्टोन ब्रिज में, ध्यान को देखें, एक व्हीट स्टोन ब्रिज में पी क्यू आर तथा एस प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना लिया जिसमें हमने 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस कैसे जुड़े हैं जोड़ दिए, आपको भी पता है इस तरह से जुड़े होते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में, जिसका मान क्रमशः, जिनका मान 4 ओम 6 ओम 8 ओम 6 ओम, मतलब P बराबर 4 ओम, Q बराबर 6 ओम, R बराबर 8 ओम, S बराबर 6 ओम है। ठीक है, 8 ओम के प्रतिरोध के साथ कितना ओम का प्रतिरोध लगाएं कि ब्रिज संतुलित हो जाए। आपको सेम कंडीशन का प्रश्न कहता है कि 8 ओम वाले प्रतिरोध के साथ कै ओम का प्रतिरोध जोड़ दें कि वह ब्रिज क्या है, संतुलित हो जाए। तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद ही करके इस प्रश्न को देखिए। ठीक है, तो P बराबर आपको दे दिया गया है 4 ओम, Q बराबर आपको दे दिया गया है 6 ओम, R बराबर दे दिया गया है 8 ओम, और S बराबर दिया गया है 6 ओम, और कह रहा है कि इस R वाले के साथ ही हमें जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? R वाले के साथ। तो चलिए मान लिया कि हमने R वाले के साथ एक प्रतिरोध को जोड़ा। ठीक है, तो R वाले के साथ एक प्रतिरोध जोड़ा, तो इस प्रतिरोध का मान कितना होगा से हम लोग को ज्ञात कर रहा है। तो मान लिया कि इस प्रतिरोध का मान x होगा। ठीक है, तो इस प्रतिरोध का मान x मान ले रहे हैं। तो अब उसी तरह से जो x और r जुटेंगे किस क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जुड़ेंगे। तो लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार r x समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो होगा 1/r' बराबर में 1/r। देखिए r के मान कितना दिया है हम लोग को, r के मान दिया है 8 ओम, r बराबर कै ओम, 8 ओम है, 8 ओम। तो 1/8 प्लस में 1/x। उसी तरह जब आप इसको लघुतम लेते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, नीचे मिलेगा 8x और यहाँ x प्लस 8 मिलेगा, अर्थात इसलिए आपको आ जाएगा r' बराबर 8x अपॉन x प्लस 8। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अब संतुलन की स्थिति अनुसार, संतुलन की स्थिति के अनुसार, जब संतुलन की स्थिति के अनुसार चलेंगे तो संतुलन का सूत्र क्या कहता है, P बटा क्यू बराबर R अपॉन S। अब देखिए P का मान हम लोग को कितना दे दिया गया है, 4 ओम, Q का मान कितना दिया है, 6 ओम, R का मान देखिए R' लिखा गया, फिर से एक बार R' का मान आ गया देखिए 8x/x प्लस 8, और S का मान कितना दे दिया है, 6 ओम, 6 से 6 कैंसल हो जाएगा, 4 दुना के 8, यहाँ से त्रिया गुना करिएगा तो आपको होगा 2x बराबर x प्लस 8, यहाँ से x का मान निकालिएगा तो कै ओम आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा, यानी जो ये प्रतिरोध रहेगा x वह कितना के साथ जोड़ना होगा, 8 ओम के साथ। आप फिर भी उसी तरह से चेक करके देख सकते हैं दोनों का अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा और यह संतुलन हो जाएगा। देखिए क्योंकि 8 ओम को इस 8 ओम के साथ जोड़ दीजिएगा तो आपको प्रतिरोध कितना मिलने वाला है, 4 ओम हो जाएगा। देखिए 1/8 प्लस 1/8, तो 8 होगा 1 प्लस 1, यानी 2/8, यानी 1/4, इसलिए कै ओम आ गया, 4 ओम। देखिए 4 ओम में अभी हो जाएगा और 4 ओम में अभी, 4 ओम में अभी, 4 ओम 6 ओम, 4 ओम 6 ओम, 4 ओम 6 ओम, दोनों के अनुपात क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे, इस तरह से दोनों आपस में संतुलित भी हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न काफी ही हेल्पफुल, आपके लिए सहायक जरूर होगा, लेकिन यह तभी आपके लिए सहायक होगा जब इन सारे प्रश्नों को आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं शामिल करता हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको ज्यादा फायदा हो सके। तो आइए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं और फिर आपके लिए एक होमवर्क होगा जिसे आपको खुद ही करना होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला सवाल है, देखिए एक यहाँ पे आपको नेटवर्क दिया गया है। यदि परिपथ संतुलित व्हीट स्टोन सेतु के तुल्य है तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। कह रहा है कि यह जो परिपथ है, यह जो एक परिपथ सर्किट बनाया गया है वह व्हीट स्टोन सेतु के तुल्य, मतलब व्हीट स्टोन सेतु के समान यह है। तो कहता है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अब हम लोग पहले यह देखते हैं कि देखिए जब तुल्य प्रतिरोध होता है तो क्या होता है, सुनिएगा। तुल्य प्रतिरोध होने की स्थिति में जब धारा यहाँ से बढ़ता है, सुनिए, I1 I2 में धारा बढ़ता है तो वह कोई भी धारा मापी में गैल्वेनोमीटर में नहीं आता है और सीधे इस ओर चला आता है, आपको याद होगा। उसी तरह I2 धारा जब यहाँ आता है और संतुल्य बराबर हो जाने की स्थिति में धारा मापी में ना जाकर के सीधा इधर चला जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि यह व्हीट स्टोन सेतु का संतुलन स्थिति है तो क्या होगा कि धारा इसमें, मतलब धारा मापी में नहीं जा रहा होगा, यानी धारा सीधे यहाँ ए से बी की ओर आ रहा होगा और यहाँ भी ए से बी की ओर आ रहा होगा। ठीक है, सीधा सीधी कहें तो धारा का प्रवाह केवल इस ओर होगा और धारा का प्रवाह केवल इस ओर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या जानते हैं कि अच्छा संतुलन है, तो यह भी है कि इसका पी और क्यू का अनुपात बराबर और आर और एस का भी अनुपात बराबर, तो वह भी स्थिति में बराबर ही आ रहा है। तो अब हम लोग का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो तुल्य प्रतिरोध ला हम ये जान गए हैं कि ए और सी के बीच इस कंडीशन में, इसके और इसके बीच धारा इसमें नहीं आया तो सीधे श्रेणी क्रम में गया। ठीक है, और उसी तरह ए और बी के बीच चलेंगे, ए डी बी में, तब पर भी धारा किस तरह से गया, श्रेणी क्रम में गया। तो अब हम लोग चलेंगे, अब लिखेंगे चूंकि संतुलन की स्थिति में CD भुजा के मध्य कोई धारा नहीं है, अतः देखिए ADB में, अब ADB में चलेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ADB में हम लोग क्या होगा, क्या R डैश बराबर, अगर संतुल्य प्रतिरोध तो यह, और यह किस क्रम में, श्रेणी क्रम में होगा, R+R = 2R ओम होगा। फिर किसको में चलेंगे, उसी तरह ACB में R" बराबर करेंगे तो R+R होगा बराबर 2R ओम होगा। ठीक है, लेकिन अब सुनिए, एकनी अगर इन दोनों को एक साथ एक प्रतिरोध जोड़ दें ऐसे इस तरह से, और इन दोनों को भी एक तरह से जोड़ दें तो यह किस क्रम में आपस में जुटेंगे, समांतर क्रम में जुटेंगे। तो अब हम लोग निकालेंगे, अब ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध ला हम लोग क्या, दोनों में श्रेणी क्रम होगा कि समांतर क्रम, तो समांतर हो जाएगा तो 1/R" बराबर 1/R+R" होगा। ठीक है, तो 1/R के लिए 1/2 + 1/2, इस तरह से हम लोग क्या आएगा, 2 1+1। ठीक है, तो अब इधर मैं लिख रहा हूँ 1/R" बराबर होगा 2/2, यानी कट के आएगा 1 ओम। ठीक है, और माफ करिए R डैश है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 2R ओम आ रहा है, 2R ओम, और यहाँ भी 2R ओम है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग को ऊपर में कट कट के तो लघुत्तम भी होगा 2R ओम, तो ऊपर में कट कट के 1 बचेगा, लेकिन ऊपर में जुटेगा तो 2 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2R ओम, 2 से 2 क्या होगा कैंसल होगा। अब यहाँ त्रिक गुना करेंगे तो R ट्रिपल डैश बराबर क्या होगा केवल R ओम होगा, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा ए और सी के बीच R ओम होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न जरूर ही समझ में आए होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए हमने मान बैठाने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, तो 2R ओम 2R ओम लघुत्तम फिर भी वही मिलने वाला है। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप प्रश्न को खुद ही वीडियो को पॉज करके अपने से करने की कोशिश करें। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आप जरूर पूरा करें, तो होमवर्क को आप जरूर देखिए। तो आज का आपका होमवर्क है, यदि देखिए यह एक परिपथ दे दिया गया है, यदि परिपथ व्हीटस्टोन संतुलन की स्थिति में हो, सुनिए, यदि यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में हो, संतुलन की स्थिति में हो, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान मतलब x का मान आपको ज्ञात करना है। तो आज का हमारा चॉइस है 2 ओम 4 ओम 6 ओम 12 ओम। तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप एक बार फिर समझिए, यदि परिपथ संतुलन की स्थिति में हो तो अज्ञात प्रतिरोध का मान होगा 2 ओम 4 ओम 6 ओम और 12 ओम। तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, दोबारा सब्सक्राइब ना करें, ठीक है? तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, जय हिंद।